जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा पशु परिचर, LDC, महिला सुपरवाइजर, रीट सहित राजस्थान की सभी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इससे पहले राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की क्लासें एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए विगत 20 सालों में पूछे गए राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, झालावाड़ कोटा में काली मिट्टी। ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर में और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, जबकि यह मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में यह भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सैम से भीषणतम प्रभावित हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या भरतपुर और धौलपुर। ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सैम की समस्या से ग्रसित ज़िले हैं। इसमें सबसे अधिक बड़ोपल, जिसे हम पीली बंगा कहते हैं, यह सर्वाधिक भी सैम समस्या से ग्रसित क्षेत्र है। अगला प्रश्न, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? लवणीय, क्षारीय, अम्लीय या जल भराव युक्त। ऑप्शन बी, क्षारीय, मृदाओं के सुधार के लिए ही जिप्सम का उपयोग करते हैं, जबकि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए हम चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रेहे, कल्लर, ऊसर और अल्कलाइन किस मृदा के अन्य नाम हैं? लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा। ऑप्शन ए, यह लवणीय मृदाओं के नाम है, जो कि बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, भरतपुर और कोटा के अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह लवणीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी और लवणीय मृदा को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को या पर्वतपदीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को। ऑप्शन ए, खारी और लवणीय मृदा को ही ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा बाड़मेर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा, इन सभी जिलों में ये ऊसर मृदा
पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? 2.3 से 3.6, 7, 4.2 से 4.8 या 8 से ऊपर? ऑप्शन डी, 8 से ऊपर। अगला प्रश्न, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? रॉक फास्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन या बेंटोमाइट शोधन? ऑप्शन सी, जिप्सम शोधन, यह लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार होता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संक्षिप्त कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह के कारण, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव के कारण, मिट्टी के अपक्षालन से या मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से? ऑप्शन बी, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त हो जाती है। अगला प्रश्न, अम्लीय मृदाओं ने किसके प्रयोग से सुधार किया जा सकता है? यूरिया, चूना, जिप्सम या गंधक? ऑप्शन बी, चूना। चूने के द्वारा ही अम्लीय मृदाओं में उनके प्रयोग में सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन या मैग्नीशियम? ऑप्शन बी, जिप्सम लवणता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? पाली, उदयपुर, राजसमंद या डूंगरपुर? ऑप्शन ए, पाली। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? नागौर, बीकानेर, सिरोही या झालावाड़? ऑप्शन ए, नागौर फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित जिला होता है। इसी के साथ अजमेर जिला भी फ्लोरोसिस से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है? भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर या नागौर अजमेर? ऑप्शन डी, नागौर और अजमेर में यह पट्टी स्थित होती है, जिसे हम बांका पट्टी और हेंच बेल्ट के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? चूरू, सीकर, नागौर या भीलवाड़ा? ऑप्शन सी, नागौर जिले में यह बांका पट्टी, जिसे हम कुंवर पट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह स्थित है। इसी के साथ अजमेर जिले में भी यह पाई जाती है। अगला प्रश्न,
राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या कोटा? ऑप्शन सी, सिरोही में यह लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिला सही सम्मिलित नहीं है? मध्यम काली, बूंदी और बारा में, लाल लोमी, डूंगरपुर और उदयपुर में, लाल और पीली, झालावाड़ कोटा में, भूरी रेतीली, कचारी, भरतपुर और अलवर में। ऑप्शन सी, लाल और पीली मृदा झालावाड़ और कोटा में नहीं पाई जाती, जबकि यह मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर, इन क्षेत्रों में यह लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, इकोनॉमिक्स से पूछे गए प्रश्नों को एक साथ हल करवाया जा रहा है। यह क्लास आपके लिए रोज रात 8 बजे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आप इन क्लासों को देख करके आप अपनी आगामी भर्ती परीक्षा, पशु परिचर, LDC, रीट, सभी राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह क्लास शुरू की गई है। दोस्तों आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल लोमी मृदा पाई जाती है अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में, कोटा और बारा में, या जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। ऑप्शन बी, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में यह लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या हाड़ौती का पठार? ऑप्शन बी, दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो राजस्थान का दक्षिण भाग होता है। अगला प्रश्न, कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली सरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कथन आर, सरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। कौन सा कूट सही है? ऑप्शन बी, कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? टोंक, उदयपुर, बूंदी या पाली? ऑप्शन डी, पाली में भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? अल्टीसोल, स्पोडोसोल, मोलिसोन या एल्डिसोल? ऑप्शन डी, एरिडिसोल। अगला प्रश्न,
निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? एडिसोल्स, अल्फिसोल्स, एंटिसोल्स या बर्टिसोल्स? ऑप्शन ए एडिसोल्स, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारा और कोटा जिलों में पाया जाता है। भूरी रेतीली मृदा, काली रेगुर मृदा, लाल मृदा या लवणीय रेतीली मृदा? ऑप्शन बी काली रेगुर मृदा। यह राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र कोटा, झालावाड़, बारा जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में बर्टिसोल्स मृदा मिलती है? हाड़ौती के पठार, गग्गर का मैदान, लोनी बेसिन या सेखावाटी? ऑप्शन ए हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले में यह बर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, बर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? झालावाड़, बारा, कोटा भरतपुर, बूंदी बांसवाड़ा, धौलपुर करौली? ऑप्शन डी धौलपुर और करौली में यह बर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से तीन जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी झालावाड़, भीलवाड़ा अजमेर टोंक, पाली सिरोही जालौर? ऑप्शन बी कोटा बूंदी झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? सिरोही, अजमेर टोंक और जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी और भीलवाड़ा? अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर? ऑप्शन डी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, इन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटेराइट, काली, रेतीली या जलोढ़? ऑप्शन बी काली मृदा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्रीगंगानगर, हाड़ौती पठार, डूंगरपुर या सिरोही? ऑप्शन बी हाड़ौती पठार में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी अपरदन सर्वाधिक कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इन जिलों में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन पाया जाता है। अगला प्रश्न और इस क्लास का आखिरी प्रश्न, राजस्थान में लोम लाल लोम मृदा पाई जाती है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालौर में? ऑप्शन सी उदयपुर में लाल लोम मृदा पाई जाती है। दोस्तों, एमके स्टडी चैनल पर जो यह क्लास शुरू की गई है वो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके और वे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।
धन्यवाद।